ये सिर्फ आप पर्सनल चूज चला रहे हो आप, तो भाई अभी इसको ऑफ रोडिंग करके देख लेते हैं थोड़ी इसकी कि कैसी भाई, मतलब खराब रास्तों में कैसी चलती है ये। सही है भाई, मतलब कोई वो नहीं लग रहा मेरे को कि मतलब टच हो जाएगी या कुछ, कुछ का डर ही नहीं है भाई, 1% डर नहीं लग रहा है टच होने का। तो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू के सी व्लॉग्स। एंड आज भाई हम रिव्यू करने वाले हैं बेलिनो का, जो कि डेल्टा मॉडल है, जो कि भाई अमोक भाई की है। भाई अपने बारे में तो बताओ थोड़ा। भाई मेरा नाम अमोक भैया है और मैं यहीं गुड़गांव से हूँ। और क्या करते हो यार आप? भाई अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज तो कौन से कॉलेज में भाई? अच्छा NCU, कौन से ईयर भाई? भाई सेकेंड ईयर। तो भाई ये अभी अभी निकाल लिया, मैं लग रहा है कि मतलब टेम्परेरी नंबर दिख रहा है, अभी अभी निकाल दिया। एक हफ्ता हुआ है मतलब। तो भाई मतलब यही गाड़ी क्यों ली, मतलब इस सेगमेंट में और भी थी, i20 होगी आपकी और लुक में अच्छी लग रही थी। हाँ, और फिर मैंने सोचा भी अगर मॉडिफाई कराऊंगा तो अच्छी लगेगी, तो जब ही डेल्टा मॉडल लिया है, दूसरा मॉडल वैल्यू फॉर मनी था यही। तो भाई कितने की पड़ गई होगी यार आपको ये? मुझे 7,80,000 के आसपास पड़ी। 7,80,000। और कितने टाइम में मिल गई थी गाड़ी आपको ये? 3 दिनों में मिल गई। 3 दिन में मिल गई, मतलब वेटिंग नहीं चल रही इतनी कुछ। सही है भाई। तो भाई ये आपकी ये लेटेस्ट वाली यही है ना, पेट्रोल वाली? अब तो पेट्रोल ही आती मारुति थी, इन्होंने डीजल बंद कर दिया, पेट्रोल आएगा। तो भाई इसकी कुछ ऐसी फ्रंट की लुक मिलती है, ये मतलब प्रोजेक्टर दे रहे हैं क्या ये लोग अभी भी, जो सेकंड मॉडल में ये लगवाया वगवाया नहीं है कुछ भी? तो भाई इसकी कुछ ऐसी आपको फ्रंट की ग्रिल मिल जाती है, क्रोमिया मिल जाती है, जो टॉप मॉडल की ग्रिल अलग सी होती है ना उसकी। तो भाई ये मतलब आपको ऐसी मिल जाती है, और इसमें आपको प्रोजेक्टर ये वाइट करवाया है पहले से वाइट प्रोजेक्टर आते हैं। अच्छा फॉग लैम्प ऐड करवाया भाई, तो ये फॉग लैम्प मिल जाए, नहीं तो आपको डेल्टा वाले में मिलते नहीं है फॉग लैम्प। और ये आपको बम्पर ऐसा कुछ दिख जाता है इसका, और साइड इसमें भी साइड, अच्छा साइड मिरर में यहाँ पे इंडिकेटर यही दे रहे हैं, साइड मिरर में ये सिस्टम भी है। कैसे लॉक करोगे जैसे, तो वो हो जाएगा मतलब अंदर हो जाएंगे। और अलॉय, अलॉयज है ना, अलॉय कैप है, कैप भी है ना इसमें, कैप भी है। तो अभी कोई प्लान है अलॉय वलॉय लगवाने का? अभी नहीं है, अभी तो नहीं, बट जल्दी कराएंगे। सही है। तो भाई कुछ ऐसी आपको दिख जाती है इसकी साइड से लुक। भाई इसमें क्या वो नेट वेट चढ़वा रखे हैं? हाँ जी। और पीछे से इसमें पीछे से LED टेल लैम्प मिलती है, नॉर्मली है टॉप मॉडल में LED मिलती है। तो भाई कुछ ऐसी ऐसी दिखती है आपकी पूरी गाड़ी। इसके टायर कितने इंच के हैं यार? 15 इंच के टायर मिल जाए। MRF ही देती है मारुति, और कोई भी देती है? MRF ही आ रहे हैं। और भाई तो भाई अभी तक कितनी चला ली गाड़ी? अभी तक ये 1,070। कितना टाइम हो गया? एक हफ्ता हुआ है अभी। हफ्ते भर में भाई 1,070 चला ली। चलो गाड़ी के अंदर देखते हैं। तो भाई इसकी कुछ ऐसी की मिल जाती है, आप भैया वहां से बैठ जाओ एक बार। तो भाई अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, हैंड ब्रेक लगा दो, पीछे से जा रही है गाड़ी है। तो भाई इसके अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, चारों साइड क्रोम मिल जाते हैं। और इसमें आपको वन साइड ऑटो, मतलब एक बार ऑन कर लेता हूँ गाड़ी। अरे क्लच, अरे आदत हो रखी है ऑटोमेटिक की। तो भाई मतलब इसमें आपको वन टच मिल जाता है, विंडो अप डाउन एक का मिल जाता है ड्राइवर साइड को, और ये आपको चारों आपके ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ORVM यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मिल जाते हैं, विंडो ये इसका ORVM का वो है बंद करने का, और
यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है बॉटल वॉटल रखने का, फाइल वाइल या जो भी रखना है। और इस वाले इसके ऊपर वाले में आपको स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है ना? हाँ जी, इसके ऊपर वाले में स्टार्ट स्टॉप मिल जाए, और सारे मॉडल में आपको यही मिलती है। इसके नीचे वाले ऐसा तो नहीं, स्विफ्ट वाले सिस्टम है, बीस मॉडल में है वो वाला। अच्छा, बेस मॉडल में, और उसके ऊपर मॉडल में आपका पूरा ऐसे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको आरपीएम का मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है आपका, 220 चल जाती है। और कितने का माइलेज दे देती है भाई ये गाड़ी? अभी तो ये 13-13.5 पे चली जाती है, बट हाईवे पे 20 की दे देती है आराम से। और भाई मतलब देखो कुछ भी नॉइज नहीं लग रही। वैसे अगर एसी इसका अगर कम करते हैं, किधर से इसका यहीं से कम होता है, दरवाजा बंद करना है तो भाई देख लो इसको, जैसे एसी इसको बंद कर दिया, सब कर दिया, और ये गाड़ी रिस्टार्ट है हमारी भाई, 1% की नॉइज नहीं आ रही है। मतलब ये तो मानते हो कि मतलब जो मारुति ने BS6 के बाद किया है, थोड़ा रिफाइनमेंट करी है, या फिर क्या मतलब क्या लगता है आपको? कर रखी है जहां तक लगता है रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट। और इसमें मतलब ये वाला आपका ये भी लगवाया है या फिर ये कंपनी से ऐसा है? ये भी टच में दे रहे हैं मारुति वाला, पूरा वो दे रहे हैं। और यहाँ पे ये अच्छा, ये पूरे इसके एलईडी वेलईडी यहाँ पे की हुई है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ सब कुछ है, सब कुछ है। और इसके ऊपर वाले मॉडल में एप्पल एंड्रॉइड वाला आ जाता है ना, ऊपर वाले मॉडल में एंड्रॉइड। तो आपको कुछ ऐसा फाइव स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे, आपको चाबी वाबी और बॉटल वॉटल रख सकते हो। और ये कितना अच्छा, ये क्या ट्रे है क्या कोई? ये ट्रे है भाई, यहाँ पे लगा रखी है। और यहाँ पे यूएसबी होल्डर ऑक्स मिल जाता है यहाँ पे आपको, ये यूएसबी और ये ऑक्स, ये 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। और एसी कैसा काम करता है इसका? एसी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तो, बढ़िया है। अगर ऑन थोड़ी गर्मी सी यार इतनी हो रही है यहाँ पे। और ये हैंड वे यहाँ पे आर्मरेस्ट भी, आर्मरेस्ट डेल्टा में आया नहीं था। अच्छा, तो कंपनी से ही हमने लगवा लिया था। तो कितने तक की एक्सेसरीज लगा दी होगी यार आपने इसमें? एक्सेसरीज आर्मरेस्ट इसका 4000 के करीब था। अच्छा, 4000 लैंप इसके सेम सारे, मतलब सब कुछ कंपनी से लगवाया आपने, फॉग लैंप और ये सब कुछ लगवा रखा है। तो यार ये वाले मॉडल में और इसके ऊपर वाले में क्या डिफरेंस क्या था? मतलब डिफरेंस बस यही था कि अलॉयज एंड स्टार्ट पुश बटन, पुश बटन, और ये आपका इंफोटेनमेंट, और आपको नीचे जो आपका फॉग लैंप वाला, बट वही है वो, ये वैल्यू फॉर मनी यही है। अच्छा, यही है डेल्टा, जैसे स्विफ्ट में VXI बोलते हैं, ब्रेजा में तो मेरे हिसाब से LXI भी वैल्यू फॉर मनी देने लग गए, क्योंकि सब कुछ दे रहे हैं उसमें, इंफोटेनमेंट सब मिल रहा है अभी। तो यहाँ पे आपको ये रियर व्यू मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको एकदम खाली मिलता है, और ये आपकी अच्छा, ये यहाँ पे इसका वो नहीं मिलता आपको, जो अपर वाले में मिलता है। और यहाँ पे आपको यहाँ लाइट भी नहीं, मतलब नॉर्मल दे रखा है ऐसा कुछ। तो भाई अब चलते हैं, पीछे चलते हैं गाड़ी के, स्पेस देखते हैं इसका कैसा है। तो भाई ये सीट कुछ ज्यादा पीछे हो रही थी, लेकिन जब भी देख सकते हो मतलब स्पेस है, अगर उसको अगर आगे करूंगा अभी भैया के हिसाब से हो रही थी सीट, अगर यहाँ पे भी मतलब आप पूरी पीछे करके रखते हो सीट। हाँ, ये पूरी पीछे है, लेकिन स्पेस इसमें तब भी काफी अच्छा है। जब भी भाई स्पेस पूरा मिल जाता है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे यहाँ बीच में आपको वो नहीं मिल रहा ना, रेस्ट वो नहीं मिलता, और यहाँ आपको मिल जाता है वो आपका हैंड रेस्ट, नहीं हैंड रेस्ट भी नहीं मिलता उसके अपर वाले, नहीं देते ही नहीं शायद। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का ही है ना चार्जिंग सॉकेट, 12 वोल्ट का। और अच्छा, यहाँ दे रखा है और यहाँ नहीं दे रखा, ये क्या मतलब? कंपनी से कुछ फैब्रिक ही है ये मेरे हिसाब से, कंपनी से ही है, ये समझ ही नहीं आया इन्होंने क्या दिया ये भाई। ये तो अलग ही है, मतलब ड्राइविंग साइड में नहीं दिया और इसमें दे रखा, और पूरी भाई मतलब पूरी अभी तक ये भी पूरा हटाया नहीं है भैया ने इतनी नई गाड़ी। और यहाँ पे आपको येलो लाइट मिल जाती है, दरवाजा खुल रहा है फिर जो भी इसकी, अभी इसको बंद कर देते हैं ऐसे, और ऐसी कुछ आपको फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे बॉटल होल्डर का दोनों साइड मिल जाता है आपको, विंडो का हो गया। और अब चलते हैं भाई डिक्की, इसकी डिक्की में क्या कितना स्पेस मिल जाता है। तो भाई अब इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई बूट स्पेस कैसा लगा भाई आपको गाड़ी का? बूट स्पेस इसका काफी अच्छा है, मतलब सफिशिएंट लगता है आपको? ये क्या लाठी वाठी रख रही है ये? सेफ्टी के लिए रखनी पड़ती है। सही है। और ये यहाँ पे मतलब सही मिल जाता है स्पेस ही नहीं। अच्छा, सीट के वो निकालो। और इसमें आपको वो कितने उसके स्पेयर टायर कितने का उसका मिल जाता है? 5 से यहाँ से ये 1 इंच कम ही मिलता है ना मेरे हिसाब से, 15 इंच का मिल जाता है।
कितने इंचेस का लिख रखा है आप? ये 15 इंचेस का आपको मिल जाता है, स्पेयर भी मिल जाते हैं, इसमें अलॉय नहीं होता, आपको मिल जाता है। बूट स्पेस भी ठीक है, लाइट वाइट इसमें नहीं दे रखी ना, लाइट वाइट नहीं है। तो भाई अब गाड़ी चला लेते हैं, देखते हैं कि कैसी चल रही है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अभी। तो भाई ये 1.2 लीटर की गाड़ी आपकी, और जो कि आपका मतलब 1200 सीसी जो प्रोड्यूस करती है, 81 bhp और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। भाई इसको कहाँ कोई खाली जगह ले जानी पड़ेगी यार। स्मूथ है भाई पूरा, मतलब इसका क्लच व्लच सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा स्मूथ है। आवाज भी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं भाई, हल्की सी आवाज नहीं। ग्राउंड क्लीयरेंस कैसा है इस गाड़ी का? ग्राउंड क्लीयरेंस अभी तक तो मुझे ठीक लगी इसकी, 170 की है ना इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस। इसकी डीजल वाली डिस्कंटिन्यू कर दी थी ना, डीजल वाली मतलब अगर होती तो डीजल लेते, पेट्रोल लेते तो डीजल लेता, डीजल ही लेते ना। तो टर्निंग रेडियस देखते हैं भाई, ये तो भक्ति है पूरा एकदम, मतलब क्लच छोड़ते ही और एक्सेलरेटर देते ही भक्ति है पूरी गाड़ी। कितनी भगा रखी है अभी तक पूरी? अभी तक तो मैंने आराम से ही चलाया है। हाँ अभी तक तो 80 तक ही गया हूँ मैं, 80 तक ही गया। हाँ जी। और कहाँ कहाँ मतलब 1000 किलोमीटर चला ली भाई आपने? दिल्ली तक ही गया हूँ। दिल्ली मतलब ज्यादा चक्कर मार लिया हफ्ते भर में? कॉलेज वॉलेज के काम से? नहीं कॉलेज नहीं गया अभी तो कोरोना में, बट दिल्ली और यहाँ लोकल में ही चलाई है। अच्छा तो भाई घर वाले, ये आपकी चॉइस थी या घर वालों की चॉइस थी? चॉइस घर वालों से बात करके ली थी। तो जब ये गाड़ी देख रहे थे तो और कोई भी देख रहे थे क्या साथ में आप? नहीं मैंने यही देखी थी। अच्छा यही देखी थी। हाँ, और कोई मतलब किया था? अच्छा सही है भाई, सही है सही है। ग्रॉम भाई झटके भी कुछ दे नहीं रही, और भाई एकदम स्मूथ इसका गियर और क्लच एकदम पूरा स्मूथ ही हो रखा है पूरा। अभी यहाँ पे खाली वाली रोड नहीं है कोई, नहीं बड़ी देख लेते हैं कैसी। और मेंटेनेंस अभी इस फर्स्ट सर्विस होगी भाई इसकी? नहीं अभी नहीं, अभी करानी है इसकी। अच्छा फर्स्ट सर 1000 हो जाती है ना, कल परसों देख रहे हैं कनान की। एसी भी बढ़िया ही है भाई गाड़ी का, मतलब पूरा एकदम चिल्ड कर जाता है। और क्या क्या भाई करवाने का सोचा है अभी आपने इसमें? इसमें कुछ नहीं अभी तो, इसमें स्क्रीन चेंज करानी है, डिस्प्ले ये देख ही सकते हो यही सेम इसी साइज में लगवानी है एंड्रॉइड। तो कम अच्छा एंड्रॉइड लगाओगे कंपनी से या फिर कैसे? नहीं वो तो बाहर से ही लगेंगे। अच्छा बाहर। और अलॉयज लगवाने की सोच रहा हूँ अभी। अच्छा अलॉयज जब तक चल रही है तब तक सही है भाई, अभी तो नहीं आई है, अभी 1000-2000 किलोमीटर के बाद देख लेंगे। कंफर्ट कैसा लगा आपको इसमें? कंफर्ट काफी अच्छा है, आप देख ही सकते हो बिल्कुल आराम से बैठे हैं। वो तो है मतलब कंफर्टेबल कार है। हाँ एक और चीज भाई, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में कहते हैं कि भाई मारुति यार बिल्ड क्वालिटी उसका आपको कोई वो नहीं है कि मतलब सेफ्टी वेफ्टी जैसे? सेफ्टी तो इसमें चांसेस कम है। हाँ भाई क्योंकि सबको पता मारुति की जो बॉडी है काफी हल्की है। हाँ तो सेफ्टी के मामले में तो क्या ही बहुत ही है भाई, मतलब सेफ्टी मतलब कॉम्प्रोमाइज किया आपने। हाँ जी। यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट, ले लेते हैं यहाँ पे भाई, एक बार इसे पिकअप देखते हैं इसका भाई कैसा है, कितने भाई स्मूथ है, बिल्कुल लैग नहीं है, मतलब है काफी ज्यादा स्मूथ है, मजा आता है एकदम, मतलब मक्खन की तरह चल रही है मेरे। बहुत ज्यादा स्मूथ है भाई, मतलब जा रही है। और भाई और इसके अलावा भी कोई गाड़ी आप परचेज करते हो? इसके अलावा अभी तो नहीं, प्लान कर रहे हो? प्लान कर रहे हैं। सही है भाई, सही है, सही है भाई, गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्ड क्वालिटी का है यार इसमें, बिल्ड क्वालिटी का। कितने एयरबैग्स दे रही है गाड़ी है? दो ही दे रही है, दो एयरबैग दे रही है। और टॉप मॉडल में भी दो ही आ रहे हैं? हाँ जी सब में, बलिनो में टॉप मॉडल में भी और इसमें भी दो ही है भाई। यहाँ से लेफ्ट ले लूँ? हाँ जी।
और लाइट का इसमें आपको जो आपका जो लाइटिंग वाइटिंग आपको कैसी लगी? मतलब लाइटिंग इसकी काफी प्यारी लगती है, कंपनी से ही सही है लाइटिंग, रोशनी काफी अच्छी आती है। और मतलब आपने चलो अभी सारे इसके प्रोज बता दिए, मतलब अच्छा ही बता दिया, आपको इसमें क्या मतलब बेकार क्या लगा इस गाड़ी में? यार बेकार तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि बॉडी काफी हल्की है बस, और कुछ भी बेकार नहीं लगा? और कुछ बेकार नहीं लगा, लुक में भी अच्छी है वैसे। अच्छा भी आप देख ही रहे हो स्मूथ है काफी। स्मूथ तो भाई बहुत है, मैं तो पेट्रोल पहली बार ही चला रहा हूँ। बेलिनो ने डीजल चलाई थी, वो डीजल टर्बो वाली आती थी आर एस बेलिनो, वो चलाई थी मैंने, नहीं तो ये तो बहुत रिफाइन कर दिया है मतलब। और एवरेज भी आप कह रहे हो कि भाई 20 का दे रही है हाईवे पे, 20 की है, लोकल में तो यही 13-14 की दे रही है। अभी अभी सर्विस होने के बाद पता लगेगा, अभी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, फर्स्ट सर्विस हो जाएगी जब पता चलेगा। इससे यहीं से राइट लेना है, आगे आगे से ले लेते राइट एक बार, और सेकंड में भी उठ जाती है भाई आराम से, सेकंड में भी उठ जाती है आराम से। सही है भाई, मतलब यहाँ से ले लेना, यहाँ से ले लेते हैं भाई। अब भाई मतलब टच ही नहीं हुई अभी, लग रहा था मेरे को टच हो जाएगी अभी जैसे नीचे गई गाड़ी, अभी तक तो नहीं। एकदम अच्छी है, सही है। मतलब आपके मतलब फैमिली में कितने अप्रोक्स लोग होंगे यार? फैमिली जॉइंट फैमिली है हमारी। अच्छा तो वही मतलब 10-15 के आसपास। 10-15 और ये सिर्फ आप पर्सनल चला रहे हो आप ये? हाँ जी अभी तो मैं पर्सनल चला रहा हूँ। तो भाई अभी इसको ऑफ रोडिंग करके देख लेते हैं थोड़ी इसकी कि कैसी भाई मतलब खराब रास्तों में कैसी चलती है ये। सही है भाई, मतलब कोई भी वो नहीं लग रहा मेरे को कि मतलब टच हो जाएगी या कुछ, उसका डर ही नहीं है भाई, 1% डर नहीं लग रहा है टच होने का। तो घर वाले क्या कहते हैं भाई लेने के बाद? घर वालों को अच्छी लगी है, वो उन्होंने भी यही बोला अच्छी गाड़ी है। सही लगी भाई, पूरी मार्केट ही भर गई, अभी अभी खाली थी ये शाम को लगता है इसलिए पूरी मार्केट। अभी इसका इंजन देखते हैं इसका एक बार रुक के यहाँ पे। तो भाई ये रहा आपका 1.2 लीटर का इंजन, जो कि भाई 81 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। भाई नीचे तो यार कुछ भी नहीं दे रहा, खाली पेट्रोल में ऐसे ही देते हैं, डीजल में दे रहे थे क्या नीचे होता था, बट अब पेट्रोल में इन्होंने ऐसे ही दे रहा। ये अजीब सा ही लगा, तो अगर नीचे कुछ आ गई तो सीधा वही है उसी का, या फिर कुछ लगवा ऑप्शन नहीं देती मारुति यार लगवाने वगवाने का कुछ, तो वो कहते हैं लगता नहीं। सही है भाई, मतलब ये आपका इंजन है आपका ऐसा दिखने को मिल जाता है। और भाई धन्यवाद गाड़ी का आपकी रिव्यू देने के लिए। और गाइज अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।